हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं हूं रुचि, हमेशा की तरह आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा बोर हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूं जो कि आपके यंगर स्किन को और ज्यादा यंगर बनाएगी। अगर आप चाहे कितनी भी ज्यादा एज के हैं तो उसको यंगर बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला इंग्रेडिएंट है यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स, यानी कि आपका अलसी के बीज। अलसी के बीज में होता है विटामिन ए, बी, सी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइट करती है, आपकी स्किन को पोषण देती है, आपके स्कार्स को रिड्यूस करती है एंड आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी रिमूव करती है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन की समस्या जिन स्किन वालों को है उनको भी ये दूर करती है। सो फ्रेंड, इसके बाद आता है हमारा ग्राम 4, यानी कि बेसन। ग्राम 4 हमारी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करती है और ये हमारी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देती है। ये हमारे स्किन से दाग धब्बों को दूर करती है और हमारी स्किन को फर्मिंग करती है। इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे टर्मरिक पाउडर, यानी कि कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो होती है इसमें नेचुरल फेयरनेस एजेंट होती है जो कि आपकी स्किन को एक दमकता हुआ निखार देती है। ये आपके स्किन को गोल्डन ग्लो करती है और स्किन में किसी भी तरह की इचनेस, ड्राइनेस या फिर रेडनेस, रैशेस हो उसको ये दूर करती है। इसके बाद हमें लेना है रोज़ वाटर यहाँ पे, यानी कि गुलाब जल। रोज़ वाटर आपके नेचुरल टोनर का काम करता है आपकी स्किन पे और ये आपकी स्किन से के दाग धब्बों को जेंटली दूर करता है, आपकी स्किन को डीपली अंदर जाता है, क्लींस करता है अंदर से ये। और इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे शहद। तो शहद जो होता है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन इम्प्योरिटी को दूर करती है और डीपली आपकी स्किन में जाके स्किन को फर्मिंग करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ले लेनी है और चलिए आप पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्लीन बाउल ले लेना है। इसके बाद हमें इसमें डालना है 1 चम्मच के करीब फ्लैक्सीड पाउडर, यानी कि अलसी का पाउडर। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए 1/2 चम्मच बेसन। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए 1/2 चम्मच शहद। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी का पाउडर। और 2 टेबलस्पून हमें यहाँ पे चाहिए रोज वाटर। फिर इसका पेस्ट बना लेंगे हम, इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है ताकि आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाए और कोई लम्स वगैरह इसमें ना रहे, यानी कि बेसन में जो ढोके वगैरह रहते हैं वो अच्छे से पूरे क्लीन हो जाए। सो गाइस, हमारा ये जो पैक है, मास्क है फ्लैक्सीड का, ये रेडी है। गाइस, हमारा जो मास्क है ये रेडी है और अब इसे अपने फेस में हम अप्लाई कर लेंगे। तो अपने फिंगर से ही आपको यहां पे अप्लाई कर लेना है। आप इसको अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया में आपको इसे लगाना है। मैं यहां पे ओनली फेस में लगा रही हूं। ये आपकी डार्क स्किन को 2 शेड लाइट करता है। और गाइस, इस फेस पैक को जब आप लगाएंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 1 वीक के लिए। तो आप लंबे टाइम के लिए बना के रख सकते हैं, यानी 1 वीक के लिए बना के इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में।
मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक मसाज करेंगे इस तरीके से। ये आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो करती है। अलसी जो होती है यानी फ्लैक्सीड हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ तक कि अलसी जो होती है हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे बालों को एक सिल्की और शाइन नेचुरल जो ग्लो होता है वो प्रदान करती है। तो लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, और ये ड्राई हो जाए तो इसे नॉर्मल प्लेन वाटर से आपको वॉश कर लेना है। तो चलिए वॉश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं जस्ट मैं अभी इसको वॉश करके आई हूँ और मेरा पूरा फेस गीला है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे किसी भी तरह का कोई इचिनेस कुछ नहीं करेगा। आई नो फ्लैक्सीड जो होती है वो गर्म होती है, बट इस तरीके से आप गर्मियों में भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, अपनी स्किन को अपनी एज से कम दिखा सकते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के आप गर्मियों में भी इस फेस पैक को इस तरीके से लगा सकते हैं। मेजरमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें कही गई है यानी 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून उसी अकॉर्डिंग ही आपको लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। और इसको आप बना करके 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में और डेली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरी स्किन पे देख ही रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट एप्लीकेशन में ही ये बहुत ही बेहतर और बढ़िया रिजल्ट आपके फेस पे इस तरीके से दिखेगा, जिस तरीके से आप मेरी स्किन में इस समय जो ग्लो और जो निखार और जो टाइटन और जो एकदम रिड्यूस स्किन साफ सुथरी देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी स्किन पे भी ये देगा। जानकारी अच्छी लगी हो, यूजफुल और इंफॉर्मेटिव तो है, तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन में जो ऑल का नोटिफिकेशन बेल आता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए इसी के साथ फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।